हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी, डीडब्ल्यूएसबी, केवीएस, एनवीएस, राजस्थान पीटीआई, झारखंड पीटीआई, उत्तराखंड एलटी ग्रेड सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आज के इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको स्कोरिंग करके बताना है कि एग्जैक्टली आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और कल के प्रैक्टिस सेट को अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो उसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा कि एग्जैक्टली 125 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी टीजीटी में, उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस फोरहैंड में कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सी वक्ष पेशी का प्रयोग किया जाता है? ट्रैपोजियस का प्रयोग किया जाता है, पेक्टोरियल का प्रयोग किया जाता है, लैटिसमस डॉर्सी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर आपका आना चाहिए, लैटिसमस डॉर्सी आंसर आपका आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर यहां पर हो जाता है आपका बी ऑप्शन, बी उत्तर इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होता है? मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, कुछ मांसपेशियां मजबूत होती हैं, घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, या फिर डी ऑप्शन है, मांसपेशी कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या आंसर होना चाहिए? एक स्थान पर जॉगिंग करने से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, कौन सा सही हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करना है यहां पे। घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती हैं। सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या, कुल मांसपेशियों की बात की जाए तो 639 होती हैं। यहां पे 639 आपका कुल मांसपेशियां होंगी, जोड़ों की बात की जा रही है तो यहां पे 300 से रिलेट कर जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर का। वीडियो पसंद आना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। भारी व्यायाम के समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, कौन सा होगा? मस्तिष्क की ओर, कंकाली पेशियां जो होती हैं इसकी ओर, त्वचा या फिर वृक्क। फोर्थ का आंसर देखिएगा कौन सा राइट आंसर होगा, यहां पे मस्तिष्क होगा, कंकाली पेशियां होगा, त्वचा होगा या फिर वृक्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट करना। जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी डीडब्ल्यूएसबी के बैच से जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9621819209। 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, जो प्रैक्टिस सेट एग्जाम पैटर्न पर वो प्रोवाइड किया था, साथ में अगर नए स्टूडेंट 10,000+ क्वेश्चन की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाती है। नए और पुराने दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। आंसर आप लोग का यहाँ पे आ रहा है कौन सा, वृक्क आ रहा है क्या, कंकाली पेशियां, यहां आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइव नंबर, एटीपी का संचयन जो होता है यह कहां पर होता है? जो एटीपी है इसका संचयन बताइएगा, डेली इसी तरीके से आपको कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी है। पेशी, पित्ताशय, अग्न्याशय, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। कौन सी पेशी केवल तंत्रिकीय तंत्र द्वारा उद्दीपित करने से ही आकुंचित होती है? कौन सी पेशी होगी, कंकाली पेशी होगी, मुलायम पेशी होगा, हृदय पेशी होगी या फिर डी ऑप्शन, ये सभी।
तो उस पेशी का नाम बताइएगा। यहां पर जो आंसर हो जाता है कौन सा होगा, कंकालीय पेशी, मुलायम पेशी, हृदय पेशी या फिर डी ऑप्शन सभी। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट करिए, कंकाली पेशी ए ऑप्शन इसका क्या होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, लीन बॉडी मास क्या है। जो लीन बॉडी मास है या क्या है, शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज। शरीर के वसा रहित टिश्यूज या फिर आपके शरीर का कुल वजन या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। यहां पे आंसर आ रहा है ए और बी, दोनों आ रहे हैं। देखिएगा लीन बॉडी मास का जो आंसर एग्जैक्टली हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा, शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज, ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, सभी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहां से आप उन सभी क्वेश्चंस को देखकर अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। एट नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है, जो मानव शरीर है इसमें सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, चतुष्कोणीय अस्थि यानी ट्रेपजॉयस होती है, नितंब पेशी, सुतल जिसको सोलियस बोलते हैं या फिर महावच्च। एट नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी बताइए, ये होती है नितंब पेशी, बी ऑप्शन इसमें क्या है, सही आंसर है बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी रेखाओं में बसा हुआ प्रोटीन होता है क्या, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है, ए वसी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। पेशी रेशाओं में बसा हुआ प्रोटीन होता है क्या, क्या यह एक्टिन से रिलेटेड है, क्या मायोसिन से संबंधित है, या फिर इन दोनों से रिलेट करेगा, या फिर डी ऑप्शन यहां पे ए व बी दोनों होना चाहिए। यहां पे सी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ए व बी दोनों कौन सा राइट आंसर होगा। एक्टिन और मायोसिन दोनों से रिलेट कर जाएगा, ए व बी दोनों से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, टेंथ नंबर का क्वेश्चन है, टेनिस एल्बो क्या है। जो टेनिस एल्बो है यह क्या है, मांसपेशीय इंजरी है, अति उपयोग से उत्पन्न इंजरी है, मोच आना या फिर हड्डियों की इंजरी। टेनिस एल्बो यह क्या है, जो टेनिस एल्बो है ये आपका अति उपयोग से उत्पन्न इंजरी, यानी कि राइट आंसर जो है आपका बी ऑप्शन है, बी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, 11 नंबर, कौन सा खेल है जो आम तौर पर घुटने की चबनी हड्डी की चोट से संबद्ध है, बताइए कौन सा इससे रिलेट करेगा, बॉक्सिंग रिलेट करेगा, फुटबॉल, टेनिस या फिर डी ऑप्शन बी वसी दोनों। 11 नंबर आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है, कौन सा आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। केवल 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, अपनी स्कोरिंग करके आप लोग बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। डी ऑप्शन में बी वसी दोनों से रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 12th नंबर का क्वेश्चन है, एचिलिस टेंडनाइट्स के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है, इसके प्रभाव से क्या मजबूत होता है, पैर की आर्च लंबी होती है, टखने का जोड़ मजबूत होता है, पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं या फिर क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 12th में आप लोग टिक लगा दीजिएगा, यहां पे जल्दी से अपना आंसर अटेम्प्ट करिएगा कि आंसर होना चाहिए क्या। इससे क्या मजबूत होता है, ये होता है डी ऑप्शन भी आंसर आ रहा है, आप लोग जल्दी से लगाइएगा राइट आंसर।
जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सअप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और तुरंत ग्रुप से जुड़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट जो भी ग्रुप में प्रोवाइड किया था वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपका अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल की जाती है। कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बस लगातार जब आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स अधिक से अधिक अवश्य प्राप्त होंगे। कुछ स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका दिसंबर तक होना था लेकिन अभी जो डिले हो रहा है, अगर डिले हो रहा है तो उसमें आपका ही बेनिफिट है, थोड़ा सा टाइम आपको मिला है। टाइम मिल रहा है तो आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बार बार कंप्लीट कर सकते हैं और जब रिवीजन आपका अच्छे से होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। सी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा सी, उत्तर सही आंसर। फॉर्म फिल हुआ है, एग्जाम तो होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, 13 नंबर का है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है, इसमें से कौन सा स्थानीय प्रभाव नहीं है ऊर्जा प्रवाहित करने का। मसल टोन का बढ़ना, मसल स्पाजम में कमी, सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि, सेल मेटाबॉलिज्म दर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, मसल टोन का बढ़ना, मसल स्पाजम में कमी, सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि या फिर सेल मेटाबॉलिज्म दर में वृद्धि। बताइए यहां पे कौन सा स्थानीय प्रभाव नहीं है, मसल टोन का बढ़ना ए ऑप्शन इसमें क्या है, इससे रिलेट नहीं करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन है। व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाती है, आवेग कहलाती है, एक्शन पोटेंशियल या फिर इसेंट्रिक ध्यान यानी उत्केंद्रक ध्यान कहलाती है। 14th में आंसर बताना है आपको कि राइट आंसर यहां पे क्या हो सकता है 14 नंबर का। व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया जो उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है क्या, ये कहलाती है। आपका राइट आंसर यहां पे होना चाहिए कौन सा, इसेंट्रिक ध्यान, उत्केंद्रक ध्यान आ रहा है। राइट आंसर एक्सॉन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल यानी सी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है, हृदय की जो दीवार होती है इसका मध्य कोटस कौन सा है। पेरिकार्डियम इसका मध्य कोटस है, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें हो जाता है आपका हृदय की दीवार का मध्य कोटस मायोकार्डियम, डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 16th है। आपको टोटल 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अपनी स्कोरिंग आप लोग करते जाइएगा कि 20 में से एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी तैयार की जा रही है और बहुत जल्द आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है, जो संलग्न मुख्य पेशी है इसका क्या नाम है, अंतर्वीय पट्ट है, बृहत अंश पेशी है, द्विशिरस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का नाम बताना है आपको क्या है, तो ये जो नाम है बृहत अंश पेशी, बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, बी उत्तर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी डैश के रूप में जानी जाती है कौन सा होगा, यहां पर चतुशिरस्क क्या इसका राइट आंसर होगा, त्रिशिरस्क, द्विशिरस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर बता दीजिएगा यहां पर कौन सा आंसर हो जाता है, चतुशिरस्क इसका क्या आंसर होगा,
बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस है, यही कंटिन्यूटी आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं क्या होते हैं? धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, तीव्र स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, मध्यवर्ती स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, या फिर 50% धीमे स्फुरण और 50% तीव्र स्फुरण वाले तंतु। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको टिक करके बता देना है कि आंसर यहां पे राइट कौन सा हो जाता है। लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में क्या होता है? धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, ए ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? बताइएगा। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, या फिर मांसपेशी तंतु। किस प्रकार का तंतु है जो एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? तो ये हो जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, सिटअप्स का उद्देश्य, जो सिटअप्स है इसका क्या उद्देश्य है? उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना क्या इसका उद्देश्य है? उदर क्षेत्र को उपयुक्त आकार देना, वसा को कम करना, वजन कम करना। बताइए सिटअप्स का उद्देश्य। और करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स का है उसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। यूपी टीजीटी में आप लोग पिछली बार भी देखे थे किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, एग्जाम के पहले वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी आपको प्रोवाइड कर देंगे, अभी पढ़ने के बाद आप बाद में भूल जाएंगे। और एग्जाम के जस्ट पहले जब आपको जो सीरीज हम चलाते हैं वहां पे आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल फाइनल रिवीजन होता है, वो सेटअप आपके दिमाग में बन जाता है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा, तैयारी करते जाइएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपको जिस तरीके से पहले यूपी टीजीटी में प्रोवाइड किया गया उससे बेटर तरीके से इस बार भी प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ए ऑप्शन यहां पे है, उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए उत्तर सही आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और इसके पहले के वीडियो के लिए आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी वीडियो आपने नहीं देखा या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है वहां से प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोस का लिंक आपको एक साथ में मिल जाएगा, वहां से उनका आप रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी करके तुरंत ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अपनी तैयारी में जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है, क्विज, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट जो भी दिया जाता है, और अगर नए स्टूडेंट 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाती है उनका आप लोग रिवीजन अवश्य करते रहिएगा, जिससे आपके मार्क्स एग्जाम में मैक्सिमम हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।